नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। तराना अनुभाग में अब लगातार कोरोना के केसेस कम होते दिखाई दे रहे हैं और यह सब अगर संभव हुआ है तो वह सिर्फ नगर के प्रशासनिक अधिकारी एवं डॉक्टरों और समस्त विभाग की सजगता से। दरअसल जिस तरह से कोरोना ने अपने विकराल रूप से कई लोगों को अपने आगोश में लेकर मौत के मुंह में पहुंचा दिया और कई परिवारों ने अपनों को खो दिया, ऐसे में तराना नगर में प्रशासनिक अधिकारियों एवं डॉक्टरों व पुलिस विभाग एवं नगर परिषद ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए दिन रात मेहनत कर इस विकट परिस्थिति को बहुत हद तक कम करने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि अब तराना में कोरोना के केसेस लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिस समय दीना कॉन्वेंट स्थित कोविड केयर का शुभारंभ हुआ था तब कोविड सेंटर में मरीजों की बाढ़ सी लगी हुई थी, लेकिन डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों की दिन रात की मेहनत की बदौलत अब कोविड सेंटर में सिर्फ 6 मरीज ही बचे हैं। कोविड सेंटर से अब लगातार कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं। शनिवार को भी कोविड सेंटर से 6 मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों को रवाना हुए। इस दौरान SDM एकता जायसवाल, तहसीलदार DK वर्मा, नवाब तहसीलदार सोनम भगत, जनपद अधिकारी शौनक पंडित, BMO राकेश सिंह जाटव, पटवारी शरद गोलवाना ने डिस्चार्ज हुए मरीजों को मास्क और सैनिटाइजर भेंट कर घर पर भी आराम करने की सलाह दी और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने को कहा। तराना से अशोक मेहता की रिपोर्ट। बाइट एकता जायसवाल, SDM बाइट। स्वस्थ होकर घर जाते मरीज। सुभाष चंद्र शर्मा। कितने दिन से भर्ती थे आप यहाँ पर? मैं करीब करीब 12-13 दिन से। कहाँ के निवासी हैं? पलवा के। पलवा कहाँ पर लगता है ये? मैथपुर तहसील में। आपका इलाज तराना में हुआ? हाँ। इसके पहले कहाँ गए थे आप इलाज? हम उज्जैन गए थे जी। वहाँ से हमको कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं, तब फिर गठे आए पलवा चेरी टेप, वहाँ नहीं मिला तुम फिर तराने में। तराने की स्वास्थ्य सेवाओं से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, ठीक होके जा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टरों से संतुष्ट हैं? हाँ, डॉक्टर से। प्रशासनिक अधिकारियों की क्या सभी से? सर, बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है और ज़्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। हमने निश्चित तौर पर सैम्पलिंग बढ़ाई है, 300 सैम्पलिंग हमारी रोज हो रही है। जो भी छुपे हुए अगर कोई हैं कोरोना वायरस संक्रमित लोग तो वो सामने आ जाए। लोगों से बस यही आग्रह है कि छुपाएं नहीं, सैंपलिंग दें, अधिक से अधिक सर्वे में जानकारी दें। कोई भी जरासी भी सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल आ जाएं, तो सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो कैजुअल्टी नहीं बढ़ेगी, लोग ठीक होके जा रहे हैं। अभी मेहपुर के पलवा से जो पेशेंट आए थे और आज डिस्चार्ज होकर गए, काफ़ी प्रसन्न है प्रशासनिक अधिकारियों से, डॉक्टर की सेवाओं से, इसके बारे में आप क्या? महितपुर का पहले नहीं आए, ये पहले व्यक्ति नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है, मैं रोज़ ही आती हूँ यहाँ पर, इसके पहले भी महितपुर के लोग आ चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक होकर गए। घटिया तहसील के लोग आ चुके हैं। एक्चुअली में शासकीय कोविड केयर सेंटर है, सभी तरह की सुविधाएं हैं, लोगों को विश्वास बना है, रेमडेसिविर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो एक अच्छा सिस्टम के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, तो हमारे लिए भी अप्रिशिएटिंग है ये बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों की सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे? सभी डॉक्टर तराना जैसे छोटे जगह पर जो ट्रीटमेंट ये लोग दे रहे हैं और जितनी केयर ये लोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी निश्चित तौर पे बहुत ही राहत की बात है क्योंकि अपने पार्ट को ये बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए हम अपना दूसरा फील्ड वर्क बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इनकी ओर से हमें कभी कोई इशू नहीं मिला।